नमस्कार दोस्तों, मैं मनीषा 5 नवंबर से 11 नवंबर तक का साप्ताहिक राशिफल आपके लिए लेकर आई हूँ। दोस्तों, अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन ज़रूर दबाइए ताकि हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। देखते हैं विभिन्न 12 राशियों के लिए यह दीपावली का सप्ताह कैसा व्यतीत होने वाला है। सबसे पहले शुरुआत करते हैं मेष राशि से। यह सप्ताह आपके लिए खुशखबरी लेकर आ रहा है। यात्रा करने के अवसर मिलेंगे। शेयर मार्केट में धन का निवेश करने से पहले विचार विमर्श अवश्य करें। दीपावली का यह पवित्र सप्ताह आपके लिए शानदार रहने वाला है। छात्रों को मेहनत का फल अवश्य मिलने वाला है। कामकाज में अपने सहकर्मियों से अच्छे संबंध बनाकर चलना ही आपके लिए उत्तम रहेगा। माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखें। संतान की तरफ से थोड़ी चिंताएं बनी रहेंगी। आइए जानते हैं वृषभ राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। इस सप्ताह आपकी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण होने वाली है। वैवाहिक जीवन सामान्य रहेगा। भगवान गणेश और माता लक्ष्मी की कृपा आप पर बनी रहेगी। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को इस सप्ताह सफलता मिलेगी। आलस्य को छोड़कर अपने काम पर फोकस रखना आपके लिए बेहतर होगा। दोस्तों के साथ समय नष्ट ना करें। अच्छे उपहार मिलने वाले हैं। खान पान का तथा सेहत का ध्यान रखें। धन का संचय हो सकता है और अगर धन का निवेश प्रॉपर्टी में करने की सोच रहे हैं तो सावधानी अवश्य बरतें। छात्रों के मन में शिक्षा के प्रति रुचि बनी रहेगी। आइए जानते हैं मिथुन राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। इस सप्ताह आप मांगलिक कार्य में सहभागी होंगे। खर्चों की अधिकता बनी रहेगी। स्वादिष्ट भोजन का लुत्फ उठाएंगे। यदि ऑफिस में किसी से अनबन चल रही है तो उसे खत्म करने के लिए यह सप्ताह बहुत ही उत्तम है। प्रयास जरूर करें। प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाओं में सफलता अवश्य मिलेगी। अचानक धन या प्रॉपर्टी मिलने के योग बने हुए हैं। संतान सुख अच्छा मिलेगा। अपनी संगति पर ध्यान दें। इस सप्ताह किसी दुर्घटना के संकेत मिल रहे हैं। सतर्क रहें। फिजूल खर्च करने से बचें। आइए जानते हैं दीपावली का यह पावन सप्ताह कर्क राशि के लोगों के लिए क्या खुशखबरी लेकर आया है। आपके द्वारा नया घर या जमीन का सौदा इस सप्ताह हो सकता है, परंतु आप मानसिक रूप से कुछ परेशान रहने वाले हैं। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। छात्रों का मन पढ़ाई से भटक सकता है तथा उनकी घूमने फिरने में अधिक रुचि बनी रहेगी। भाई बहनों के साथ कलह होगा, पर जल्दी ही सुलह भी होगी। मेहमानों का आना जाना बना रहेगा। इस सप्ताह खर्चों की अधिकता रहने वाली है। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें। देखते हैं सिंह राशि के लोगों के लिए ये सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। प्रॉपर्टी की खरीदारी हो सकती है। मन प्रसन्न रहने वाला है। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होगा, इसलिए खर्चों में थोड़ी वृद्धि होने की संभावना दिखाई देती है। धन का निवेश सोच समझ कर करे। व्यर्थ में किसी से ना उलझे, अन्यथा परेशानी बढ़ सकती है। परिवार के लोगों के साथ अच्छा समय व्यतीत होगा। कामकाज को लेकर बदलाव के विचार मन में उत्पन्न होंगे। कोर्ट कचहरी के मामले में सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर यह सप्ताह आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। देखते हैं अन्य राशि के जातकों के लिए यह सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। यह सप्ताह कामकाज के लिहाज से बहुत ही शुभ रहने वाला है। पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं देखने को मिल सकती है। क्रोध ना करें और स्वयं पर संयम रखें। मन में धार्मिक विचार उत्पन्न होंगे तथा धार्मिक यात्रा करने के अवसर आपको मिलने वाले हैं। छात्रों के लिए अच्छा समय है। परिश्रम का फल अवश्य मिलने वाला है। खान पान का ध्यान रखें, अन्यथा स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। संतान को लेकर थोड़े परेशान हो सकते हैं। अपने घर के बड़े बुजुर्गों की सेवा करें। आइए तुला राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह कैसे व्यतीत होगा देखते हैं। इस सप्ताह कोई शुभ समाचार मिल सकता है। घर के सुख समृद्धि में वृद्धि होगी। किसी मांगलिक कार्य में सहभागी होने का अवसर मिलेगा। किसी पुराने मित्र से मिलने से मन प्रसन्न रहेगा। धन का निवेश करने से पहले जांच पड़ताल अवश्य करें। माता पिता की सेहत का ध्यान रखें। संतान की तरफ से किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी। कुल मिलाकर तुला राशि वाले लोगों के लिए यह सप्ताह अच्छा व्यतीत होने वाला है। आइए अब हम जानते हैं वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यह सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। इस सप्ताह आप कामकाज में उलझे रहेंगे। बेवजह आपके ऊपर किसी प्रकार का आरोप लग सकता है।
परिवार के लिए समय निकाल पाना आपके लिए मुश्किल होगा, जिसके कारण थोड़ी अनबन हो सकती है। खिलाड़ियों को मेहनत का फल अवश्य मिलने वाला है। छात्रों में एकाग्रता की कमी रहेगी, खर्चों की अधिकता रहेगी। नया वाहन या कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए यह सप्ताह उत्तम रहेगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, पेट से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। कोर्ट कचहरी से संबंधित मामलों में सफलता मिलेगी। धनु राशि के लोगों के लिए देखते हैं ये पावन सप्ताह कैसा व्यतीत होगा। इस सप्ताह धन लाभ के मार्ग खुलने वाले हैं, जिसके कारण मन उत्साहित रहेगा, संतान सुख बना रहेगा। फिजूल कार्यों में समय व्यर्थ ना करें। माता पिता का साथ मिलेगा, मित्रों के साथ अच्छा समय व्यतीत करने का अवसर मिलेगा। वाहन के प्रति सावधान रहे, अन्यथा विपरीत घटना घटित हो सकती है। मांगलिक कार्य में शामिल होने का मौका मिलेगा। बेवजह के विवादों से दूर रहना ही आपके लिए बेहतर होगा। धन का संचय करेंगे, जो भविष्य में आपके काम आने वाला है। कुल मिलाकर आपके लिए यह सप्ताह उत्तम व्यतीत होने वाला है। आइए अब हम जानते हैं कि दीपावली का यह शुभ सप्ताह मकर राशि वालों के लिए कैसा व्यतीत होगा। इस सप्ताह अपने व्यवहार में मधुरता लाना आपके लिए जरूरी है, अन्यथा किसी से विवाद होने की संभावना है। काम का प्रेशर बढ़ने वाला है, जिसके कारण थकावट का एहसास होगा। अनिद्रा के कारण भी स्वास्थ्य पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है। परिवार का सपोर्ट मिलेगा, परिवार के साथ यात्राएं भी होंगी। धन सोच समझकर खर्च करें, अन्यथा आने वाले समय में दिक्कतें हो सकती है। वाहन चलाते समय सतर्क रहे। आइए देखते हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह क्या खुशखबरी लेकर आ रहा है। यह सप्ताह आपके लिए अच्छा व्यतीत होने वाला है। मांगलिक कार्य पर धन खर्च होगा। मेहमानों के आने से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा। इस सप्ताह भागदौड़ बनी रहेगी। कामकाज में सहकर्मी तथा बड़े अधिकारियों का सहयोग मिलेगा। धन लाभ होगा। स्वास्थ्य से संबंधित दिक्कतें हो सकती है। खाने पीने का ध्यान रखें। नन्हे मेहमान का आगमन इस सप्ताह होने की पूरी संभावना बनी हुई है। घर के बड़े बुजुर्गों का ध्यान रखें। धार्मिक यात्राएं हो सकती है। आइए अब हम जानते हैं कि मीन राशि वाले जातकों के लिए यह सप्ताह क्या खुशखबरी लेकर आया है। इस सप्ताह शुभ समाचारों की प्राप्ति होगी। स्वभाव में गंभीरता एवं एकाग्रता बनी रहेगी। परिवार की तरफ से मन प्रसन्न रहेगा तथा उनके साथ तालमेल अच्छा बना रहेगा। बेवजह किसी से विवाद परेशानी उत्पन्न करेगा, किसी प्रकार के विवाद में ना पड़े। धार्मिक कार्य में रुचि बढ़ेगी। कामकाज तथा शिक्षा प्रतियोगिता के क्षेत्र में सफलता मिलेगी। मन में नकारात्मक विचार आ सकते हैं। वाहन के प्रति सावधानी बरतें, अपनी संगति का ध्यान रखें। गलत काम आपको इस सप्ताह आकर्षित कर सकते हैं। तो दोस्तों, जाते जाते इस दीपावली की आपको मेरी ओर से और मेरी संस्थान की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।